वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, 2 मिनट कुछ मैं ज़रूरी बात बोल देता हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पर तो 1 मिनट। जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले उस टॉपिक के लिए सबसे पहले कुछ चैनल आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। सुपर सुपर करके एक चैनल है, उसको पहले सब्सक्राइब करो। उसके पहले एक चीज़, इसको सब्सक्राइब करने की वजह बताता हूँ। सब्सक्राइब करने की वजह ये है कि इस चैनल पर मार्वल से, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स से, या फिर डीसी सिनेमेटिक यूनिवर्स से, या डीसी से कोई भी रिलेटेड, मार्वल से कोई भी रिलेटेड कॉमिक्स से हो, या किसी भी तरह का कोई भी रिलेटेड चीज़ इस चैनल पर अपलोड होती है। तो उस वजह से इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी मार्वल्स के मूवीज़ के रिलेटेड, या फिर और कोई भी अपडेट हो या नोटिफिकेशन या न्यूज़ हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर विक्सर। अब ये विक्सर ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड चैनल है जो हमारे इंडिया से है, और इस चैनल पर अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया था। किसका? इसका आया था अपना, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, याद करके बताता हूँ। हाँ, तो याद आया। तो हाल ही में इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है जो एकता कपूर से रिलेटेड है। तो एकता कपूर की कैसे बैंड बजाई है और एकता कपूर ने कैसे हम लोगों की बैंड बजाई कार्टून के दुनिया में, वो देख लो, जाकर वो वीडियो देखना, समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट चैनल है चार्लीगोन। इस चैनल को सब्सक्राइब किसने करो, क्योंकि इस पर ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड, ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल हिंदी सारे रिव्यू होते हैं, और मैं इस चैनल को खास तरीके से पसंद करता हूँ और मेरा फेवरेट है चैनल। उसके बाद में ये चैनल पे कुछ ऐसे गेम्स रिलेटेड अपलोड होते हैं जो मेरे चैनल पे नहीं है, जैसे पबजी हो गया। उसके बाद में पूल करके एक गेम आता है, कुछ नाम है, मैं उसका नाम नहीं जानता, तो वो गेम हो गया। और अगर आपको और ज़्यादा गेम जानना है या और ज़्यादा गेम चाहिए, आपको गेम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर कमेंट करो कि इसको कौन कौन से, आपको किस गेम के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से गेम का आपको वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर इस चैनल पे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर इस चैनल से आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ गया, देवशिष करके, यहाँ पर एक मेरे खास फ्रेंड है और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कल के वीडियो में काफ़ी अच्छा बताया, उसके पहले भी वीडियो में काफ़ी अच्छा बताया, और इनका अगला जो वीडियो है वो CTP से रिलेटेड है। तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखो, और इस चैनल से बेहतर चैनल आपको नहीं मिलेगा। अगर इनसे ज़्यादा तो मैं भी बेटर नहीं हूँ, मैं भी इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और समझ रहा हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी बहुत काम आएगा आपके। उसके बाद में सारे स्क्रीनशॉट ख़त्म, ठीक है चलो ख़त्म। उसके बाद में बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, इस बात पे तालियां तो बनती है। मिठाई विठाई के डब्बे के मिठाई के डब्बे तो बेच नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है, कुछ नया करते हैं। उसके बाद में टॉपिक पे आता हूँ मैं, कहाँ गया यहाँ पर, इसकी तो ऐसी की तैसी। अब आता हूँ मैं टॉपिक पे, कहाँ गया, पहले पॉजिटिव बोलता हूँ बाद में नेगेटिव बोलता हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव पहले, स्टार्टिंग में कार्टून नेटवर्क जब था, तब याद है तब कार्टून नेटवर्क कैसा था, कुछ ऐसा था स्टार्टिंग में। मेरा बचपन जब गया है तो उसमें मेरा कार्टून नेटवर्क में गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अरे यार इसकी माँ, सॉरी, बीच में डिस्ट्रप्शन हो गया था और मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था ध्यान दूसरी तरफ। तो वापस से मैं आता हूँ टॉपिक पे। तो ये हम सबका फेवरेट, अभी के आज की जनरेशन का तो मालूम नहीं, लेकिन जिस जनरेशन से मैं हूँ, मैं 90 के जनरेशन से हूँ, तो 90 के जनरेशन में सबसे बेस्ट जो था चैनल, एक में वो चैनल था, ओनली वन, वो था कार्टून नेटवर्क। अब इस कार्टून नेटवर्क के स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा खास अच्छे कार्टून नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर जहाँ तक मैंने देखा है, ये उस टाइम का सबसे बेस्ट कार्टून था जहाँ तक मैंने देखा है, ड्रैगन बॉल जी, जानती जान। उसके बाद में ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड, उसके पहले, उसके सब स्टार्टिंग होने से पहले, सबका फेवरेट है ये टॉम एंड जेरी, सबको जानते हैं, इसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, बस जैसे ही नाम लिया तुरंत दिमाग में सब कुछ वो पुरानी यादें आ जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पर एक और एक कार्टून था जिसको हम सब लोग देख कर बड़े हुए, स्कूबी डूबी डू, जो एक हॉरर से, एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर
एक शो था जो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। इसको रैंकिंग तो मैं कभी नहीं दे सकता, इस कार्टून को मैं रैंकिंग कभी नहीं दे सकता, नेवर। सब एक दूसरे से बहुत ही खासे खासियत है और अलग तरीके से, तो इन कार्टून को तो मैं कभी रैंकिंग नहीं दे सकता, और बहुत फेवरेट कार्टून थे मेरे। साथ में बचपन से लेकर मैंने आज तक इन चैनल को देखा है, शो को देखा, लेकिन आज अब मैं बोलूँगा नेगेटिव। एक मिनट एक मिनट, नेगेटिव शुरू करने से पहले पॉजिटिव पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म करता हूँ। ड्रैगन बॉल जी किस किस ने देखा मुझे कमेंट्स में बताना, उसके बाद में ड्रैगन बॉल सुपर जीटी छोड़ दो, उसके बाद में और किस किस ने आगे की मूवीज़ वगैरह जो भी है देखा, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर डिज्नी से। डिज्नी ने चालू किया मार्वल को, और कार्टून नेटवर्क पहले इसको प्रोवाइड कर रहा था, इसको प्रमोट कर रहा था किसको, डीसी के कैरेक्टर को, बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, उसके बाद में जस्टिस लीग, ऐसे बहुत से कार्टून को कार्टून नेटवर्क ने प्रोवाइड किया था, मतलब प्रमोट किया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मार्वल को प्रमोट किया डिज्नी ने, डिज्नी एक्सडी ने, वहाँ से मार्वल को काफ़ी हद तक हेल्प मिली है एनिमेटेड सीरीज़ वगैरह। तो यहाँ पर सारा खेल है इन लोगों का। उसके बाद में हम इंडियन फैंस के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी है, वो ये है हमारी छोटी सी उम्मीद की किरण। तो इस किरण के वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर आया। उसके बाद में अब मैं शुरू करता हूँ नेगेटिव। कहाँ गया नेगेटिव? नेगेटिव 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 का सबसे बड़ा बाप है और कार्टून नेटवर्क को ख़राब करने वाला एक में वे चैनल है, उसका नाम है पोगो। अब मैं बहुत बड़ा इस पर बवाल करने वाला हूँ। सबसे पहले पोगो ने आया आया तो आया है ये, जैसे ही पोगो लॉन्च हुआ, पोगो में क्या क्या थे मुझे पता नहीं, ध्यान से मुझे याद भी नहीं है अभी उस टाइम पे क्या था पोगो में। एक मिनट, कुछ इमेजेस है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, एक मिनट डिलीट करने दो, उसके बाद में वापस से आता हूँ। पोगो जब लॉन्च हुआ था, पोगो के टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो कार्टून था वो यहाँ पर मेरे ख्याल से स्क्रीन मेरे स्क्रीनशॉट में नहीं है या फिर मेरे इमेजेस में नहीं है। हाँ ये रहा, पोगो जब आया था मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैड जैसे सीरियल पोगो भी हुआ करते थे, साइंस फिक्शन से रिलेटेड पोगो पे चैनल हुआ करते थे। तो पोगो काफ़ी प्रोग्रेस किया, उसके बाद में पोगो काफ़ी फेमस हुआ। पोगो के बाद यहाँ पर पोगो ने अपना एक एक बच्चा वाला कार्टून रिलीज़ किया जिसका नाम है छोटा भीम। अब ये छोटा नाम भीम नाम का कीड़ा इस जगह से इंडियन में घूम रहा है, ऐसे चैनल में घूम रहा है जिसने अपने लपेटे में कार्टून नेटवर्क को तक के नहीं छोड़ा। यहाँ पर अगर झूठ लग रहा होगा तो जाकर अभी देख लो टीवी पे, अभी भी छोटा भीम चल रहा होगा, नहीं तो ऑगी कॉकरोच चल रहा होगा, नहीं तो फिर वो कौन सा कार्टून है ये वाला, ये कार्टून, ये पागल कार्टून, ये कचरा कार्टून कौन बनाता है मेरे भाई, कौन बनाता है ऐसे कार्टून, पूरा कब्जा कर रखा है टीवी पर, 24 घंटे यही दिखता है, जब भी चैनल चेंज करो यही दिखता है। उसके बाद में और एक कार्टून है जिसके बारे में बात करता हूँ, ऑगी कॉकरोचेस। ये माना कि कॉमेडी के इसमें ठीक था, ओके डन, लेकिन इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये कार्टून जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ये निक चैनल पर था, निक से ये सोनिक पे गया और सोनिक से बाउंस होके ये कार्टून नेटवर्क पर आ गया, और कार्टून नेटवर्क वालों ने इन लोगों की जो कॉपीराइट या फिर कंटेंट है या फिर इन लोगों के राइट्स है वो बाय कर लिया। उसके बाद में इसकी डबिंग को चेंज कर दिया, इसके स्टाइल को चेंज कर दिया, इसके कैरेक्टर का जो भी कॉमेडी करने का तरीका था या फिर जिस सिटी में दिखाने का तरीका था वो भी कॉपी कर लिया। तो कार्टून नेटवर्क कहाँ जा रहा था, क्या था और क्या से क्या हो गया? क्या मासूम थे वो दिन और देखते देखते क्या से क्या हो गए, ये डायलॉग यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में इन लोगों ने तो कचरा कर रखा है कार्टून नेटवर्क पे, इनको तो मैं डिलीट कर दूंगा, मेरा बस में चलता ना, अगर मुझे वापस से अगर राइट्स मिलते ना कॉपीराइट के मतलब कार्टून नेटवर्क के तो मैं तो इसे हटा ही देता। और काफ़ी पहले तो कार्टून नेटवर्क काफ़ी कचरा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। अभी भी कार्टून नेटवर्क ये कौन सा कार्टून है पता नहीं 24 घंटे चल रहा होता है भालू का। अरे कार्टून नेटवर्क वालों सुधरो कम से कम, क्या दिखाना चाहते हो आज के जनरेशन को, क्या बना रहे तुम लोग। चलो रोल नंबर 21 काफ़ी हद तक अच्छा कार्टून है, इसमें कृष्ण भगवान का रोल नंबर 21 में रोल किया हुआ है उसमें। बाद में इसका जो कॉमेडी है, एक्शन है, एडवेंचर है, वो तीनों भी अच्छे तरीके से है, तो ये काफ़ी अच्छा कार्टून है। उसके बाद में ये डोरेमोन नाम का कीड़ा, माफ़ करना इसके कुछ फैंस होंगे अभी भी तो सॉरी, लेकिन डोरेमोन नाम का कीड़े ने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। इसको लेकर आया हंगामा,
माना कि हंगामा चैनल पे कुछ दूसरा डिफरेंट टाइप के कार्टून है, माना ओके, लेकिन अभी भी ये 24 घंटे टीवी पर कब्जा करके बैठा हुआ है, डिज्नी पे भी कब्जा करके बैठा हुआ है डोरेमोन। ये डोरेमोन नाम का कीड़ा ना हमें दूर करना पड़ेगा, और इसका जो तरीका है गैजेट निकाल निकाल के दूसरों की हेल्प करना, ये बहुत ही गलत बात है। कोई गैजेट काम नहीं आता मेरे भाई, और जितनी मूवीज़ निकली है ना इसकी, इतनी अगर इंडिया में कुछ अच्छी मूवीज़ निकल गई होती तो आज इंडिया का एनिमेशन पूरे वर्ल्ड में चलता, या फिर इंडिया के कार्टून पूरे वर्ल्ड में चलते आज। लेकिन इन लोगों के वजह से सब कचरा हो रखा है। गलती हमारे इंडियन लोगों की है, इंडिया के लोगों की है, क्योंकि इन लोगों ने डबिंग कर करके इनके कार्टून को इतना इतना फैलाया, इतना फैलाया, ये कीड़े हो गए। अभी छोटा बच्चा देखो यहाँ पर, एक मैं ऐड बता दूँ जिसमें ऐड में किंडर जा करके ऐड है, वो ऐड आती है, वो बच्चे वो लोग देखते हैं। अभी कार्टून कम हो गए और ऐड ज़्यादा हो गए। अभी कार्टून देखो सिर्फ 11 मिनट के रहते हैं और ऐड जो है वो 18 मिनट के होते हैं। बताओ ये इतने बुरे दिन आ गए हम लोगों के। अभी बच्चे, छोटे बच्चे कार्टून के बाद जो ऐड दिखती है, किंडर जॉय हो गया, उसके बाद में क्या नाम था उसका, कैडबरी लिकाबेल, उसके बाद में और बहुत से ऐसे चॉकलेट्स है जिसको MRP उसकी इतनी ज़्यादा है, 45 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे चॉकलेट को बेच बेच के अपना बिजनेस निकाल रहे। और एक और कार्टून था जिसका नाम मैं भूल गया यहाँ पर लेना, शिवा करके कार्टून है, उसने तो इतना हंगामा मचा के रखा है कि कुछ पूछो मत। अगर मैं थाना सोता ना तो सबसे पहले इन लोगों को इरेज करता मैं, सच्ची में। पहले अगर आप लोग थाना सोते तो आप क्या करते, आप किसको इरेज करते मुझे बताने नीचे कमेंट्स में। आज कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इन लोगों पे कि इन लोगों ने हिम्मत किसी भी ये करने की। हम लोगों ने थोड़ा सा के कार्टून पे से ध्यान क्या हटाया, इन लोगों ने तो पूरा कब्जा ही कर लिया। कुछ सालों पहले कार्टून नेटवर्क पर और बाकी चैनल्स पे काफ़ी अच्छे एक्शन कार्टून देखने को मिलते थे, जैसे कि बेन 10, उसके बाद में ड्रैगन बॉल जी, उसके बाद में और बहुत से ऐसे कार्टून थे जिसको देखने का मन किया करता था, कुर्सी पे से या उस जगह से हिलने का मन नहीं किया करता था, ऐसे कार्टून थे। और उसमें अच्छे थिंकिंग्स थे, अच्छे जो सीखने लायक कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन आजकल के कार्टून में वो दम नहीं। मैं तो थाना सोता ना तो सबसे पहले ऐसे कार्टून को इरेज कर डालता, और ऐसे कार्टून बनाने वाले को और बिजनेस के नाम पे ऐसे कार्टून को चलाने वाले को, इनको भी इरेज कर डालता चुटकी बजाते ऐसे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी बातें अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और कोशिश करूँगा कुछ अच्छा काम करने की। और आप लोग भी सपोर्ट करो, इस मैसेज को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे कार्टून हम लोगों के सामने आए, और ये भीम और डोरेमोन जैसे छोटा कीड़े और शिवा जैसे छोटे कीड़े यहाँ से चले जाए इंडिया से बाहर, और दोबारा कभी इन दोनों का नाम निशान तक न दिखे। और दिखेंगे तो सिर्फ मार्वल और एवेंजर्स जैसे कार्टून जो बहुत बेहतरीन और अच्छी चीज़ें सिखाने में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, और डिज्नी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाहर के जो कुछ ऐसे कार्टून से एनिमीज है, एनिमे जो एनिमेटेड कार्टून से बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहे हैं, यहाँ पर कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स है, यहाँ पर नैरेटिव है जो अभी कार्टून नेटवर्क पे मेरे से आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है वो काफ़ी बेकार है। उसके पहले यहाँ पर बेन 10 का 3 एनिमेटेड सीरीज़ आई थी, बेन 10 नॉर्मल जो स्टार्टिंग में मेरे से एक्शन कुछ तो भी नाम था उस डायरेक्टर का, मैन ऑफ एक्शन ऐसा कुछ नाम है। तो उन्होंने ये कार्टून निकाला, काश उनकी मैं कांटेक्ट कर पाता और उनको बोलता कि अपना जो एनिमेशन है कार्टून बनाने का जो एक अलग तरह का जो ग्राफिक है वो अच्छा करो, क्योंकि अभी ओमनीवर्स चल नहीं रहा है, फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और अब यहाँ पर बेन 10 ने एक एलियन फोर्स करके एनिमेशन निकाला था बीच में कुछ सालों पहले, तो वो भी काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद में एलियन फोर्स निकाला, वो भी काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद में मूवीज़ निकाली बेन 10 पे, छोटा बच्चा, उसके बाद में एनिमेटेड मूवीज़, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चली, लेकिन ओमनीवर्स ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि उसके ग्राफिक काफ़ी पुराने बेन 10 जैसे करने के चक्कर में थे, लेकिन उसके जो एलियंस थे, जो एलियंस वो वॉच से बनता था, वो काफ़ी बेकार बना दिए, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो अगर मैन ऑफ एक्शन का अगर मेरे पास कुछ होता, कॉन्टैक्ट नंबर या किसी तरह के कुछ मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर पाता, तो मैं कोशिश करता कि वो वापस से बेन 10 को ला दे और मैक्सिमम एक घंटे का भी शो कर दे, ताकि मैं उसको देख सकूँ। और कार्टून नेटवर्क काफ़ी पहले DC को प्रोवाइड करता था, प्रोमोट करता था, DC के जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज, बैटमैन, ऐसे बहुत से कार्टून थे जिसको कार्टून नेटवर्क प्रोवाइड करता था। यहाँ पर जस्टिस लीग लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाओ। तो काश
मैं कुछ कर पाता, लेकिन अभी एक हमारे पास चांस है, वो हम लोग चांस नहीं छोड़ेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।